उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात यहां लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी एक डबल डेकर बस को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी जिसमें 18 लोगों की जान चली गई है। पुलिस ने बताया कि बस में खराबी आने के बाद ड्राइवर ने उसे रात 8 बजे के करीब सड़क किनारे ही खड़ा कर दिया था और देर रात करीब 12 बजे पीछे से आ रहे ट्रक ने उस डबल डेकर बस में जोरदार टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बस हरियाणा के पलवल से चली थी और बिहार की ओर जा रही थी। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में करीब 20 लोग घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस बल मौके पर मौजूद है और सड़क को खाली किया जा रहा है। हादसे के बाद एडीजी ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना और इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस के मुताबिक बस खराब होने के बाद ड्राइवर ने यात्रियों से आराम करने को कहा था और वो बस की मरम्मत करने में जुट गया, लेकिन तभी अचानक पीछे से आ रहे ट्रक ने बस में टक्कर मार दी और ये हादसा हो गया। स्पेशल डेस्क नवदीप टुडे न्यूज़ दिल्ली।